वेलकम यू ऑल टू द लाहौर स्कूल सिस्टम सादिकाबाद। अस्सलामुअलैकुम डियर क्लास 3। आई होप दैट ऑल ऑफ़ यू गुड एंड मस्ट बी एंजॉइंग योर वेकेशंस एट होम। वेल डियर स्टूडेंट्स, आई एम हियर योर इंग्लिश टीचर। नाउ इट्स टाइम टू टेक क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ओपन योर बुक्स ऑफ इंग्लिश ऑन पेज नंबर 26। हियर वी हैव वोकैबुलरी एंड द पीच बॉक्स हैज़ अ वर्ड सिलेबल्स। सिलेबल्स आर पार्ट्स ऑफ अ वर्ड। सिलेबल क्या है? वर्ड का पार्ट होता है, किसी भी वर्ड के पार्ट्स होते हैं। मतलब कोई भी वर्ड बोला कैसे जाता है, वो एक हिस्से में, दो हिस्सों में, तीन हिस्सों में, चार हिस्सों में बोला जा सकता है, ठीक है। मतलब उसको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, उसको कितने पार्ट्स में प्रोनाउंस किया जाता है, ये बात बताएगा सिलेबल। व्हेन यू से अ वर्ड, जब कभी आप एक लफ्ज़ बोलते हैं, आउट, से आउट मतलब बोलना लाउड ऊंची आवाज़ से, यू विल नोटिस, आप देखेंगे, आप महसूस करेंगे दैट इट मे हैव वन पार्ट और मोर देन वन पार्ट। आपको पता चलेगा कि ये एक हिस्सा रखता है, मतलब इसका एक पार्ट है, या दो हैं, या दो से ज़्यादा पार्ट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर द वर्ड डॉग हैज़ ओनली वन पार्ट। एक लफ्ज़ है डॉग, उसका एक ही पार्ट है, ठीक है, मतलब बोलने में वो डॉग सिंपली बोला जाता है। दस दिस वर्ड हैज़ इस तरह से, दस इस तरह से दिस वर्ड हैज़ वन सिलेबल, इस वर्ड का एक सिलेबल होता है। द वर्ड बेबी हैज़ टू पार्ट्स, वर्ड बेबी के दो हिस्से होते हैं। दीज आर बे एंड बी, ये हैं बे बी। दस इस तरह से दिस वर्ड हैज़ टू सिलेबल्स, इस वर्ड के दो सिलेबल हुए। द वर्ड ट्राइंगल हैज़ थ्री पार्ट्स, एक लफ्ज़ है ट्राइंगल, इसके तीन पार्ट्स हैं। दीज आर, वो क्या पार्ट्स हैं? ट्राई एक, एंड दो, गल तीन, ट्राइंगल थ्री पार्ट्स, ट्राइंगल ट्राइंगल। दिस वर्ड हैज़ थ्री सिलेबल्स, इस वर्ड के तीन सिलेबल्स हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है फोर नंबर पे, ब्रेक द फॉलोइंग वर्ड्स इन, नीचे दिए गए ये जो नीचे बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं, फॉलोइंग मीन्स मंदरजा ज़ैल, नीचे दिए गए वर्ड्स को ब्रेक करें, तोड़ें, इनको अलग अलग कर दें, इनटू देयर सिलेबल्स, उनके सिलेबल्स में, मतलब इनको दोबारा से लिखिए उनके सिलेबल में। सिलेबल नंबर वन लिखें, सिलेबल नंबर टू लिखें, सिलेबल थ्री लिखें, तो उसके अंदर आप इनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, मतलब अलग अलग करके। जैसे जैसे ऊपर हमने एग्जांपल्स में पढ़ा डॉग, तो क्या होगा, सिलेबल नंबर वन वाले कॉलम में जाएगा। आप नोटबुक पे बनाएं सिलेबल वन टू थ्री, फ़िलहाल क्योंकि आपकी बुक में थ्री सिलेबल तक ही पढ़ाया गया है, तो आप तीन ही कॉलम्स बनाएंगे, उसमें लिखेंगे फर्स्ट में डॉग, दूसरे में लिखेंगे बेबी टू सिलेबल में, और थ्री सिलेबल में लिखेंगे आप ट्राइंगल, ठीक है। आगे जो पढ़ाया जा रहा है ये भी आप देखें, इनको भी उन्हीं सिलेबल्स में लिखिएगा। फर्स्ट है बुक, सिंपली बोला गया बुक, फर्स्ट सिलेबल वन सिलेबल, ठीक है। लैम्प, लैम्प एल ए ले एम पी एम्प, लैम्प, ठीक है, टू सिलेबल वर्ड है। टाइगर, टाइगर टू सिलेबल, टाइगर। शॉल वन सिलेबल है, शॉल सिंपली बोला गया, शॉवल नहीं है, शॉल सिंपल वन सिलेबल। शर्ट, शर्ट आर को थोड़ा साइलेंट करना है, क्यों साइलेंट करना है, एक ये यहाँ पे मैं ये भी क्लियर करती जाऊँ, आर को साइलेंटली पढ़ना है, पढ़ना ज़रूर है, शर्ट अंदर ही पढ़ जाना है, साइलेंटली पढ़ना है, स्लोली पढ़ना। वजह क्या है, आर से पहले वॉवल आर है। वॉल मीन्स वॉवल, मैंने कहा है ताकि आपको समझ आ जाए, अदरवाइज वॉल्स। आर से पहले अगर वॉल आ जाता है, मतलब ए ई आई ओ यू, इन पांच लेटर्स में से कोई एक आ जाता है, तो आर को साइलेंटली पढ़ेंगे। शर्ट, कन्फर्म
इट्स नॉट कन्फर्म, कन्फर्म. पार्टी, PARTY, पार्टी. उसके अलावा फर्म, FIRM, फर्म. FROM, फ्रॉम. FROM, फ्रॉम. FORM, फॉर्म. R से पहले O आया तो फॉर्म, R को साइलेंटली पढ़ा. R से पहले F, फ्रॉम. F कॉन्सोनेंट आया तो उसको दबा के पढ़ा, जोर से पढ़ा, फ्रॉम. अगर O आ रहा है तो फॉर्म. ठीक है, ये बात याद रखिएगा. शर्ट, SHIRT, शर्ट. टू सिलेबल वर्ड. नेक्स्ट इज चॉकलेट, चॉकलेट. अब क्या है, चॉक एक वर्ड है, लेट दूसरा सिलेबल है. चॉकलेट, टू सिलेबल वर्ड. नो सॉर्ट द गिफ्ट्स लिस्टेड अबव इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. अब क्या करना है, ये जितने भी गिफ्ट्स आए हैं इनको हमने अल्फाबेटिकली ऑर्डर में करना है. अल्फाबेटिकली मीन्स के ए बी सी डी. तो फर्स्ट में क्या आएगा, हम देख रहे हैं बी पहले है, उसके बाद आता है सी, तो चॉकलेट पहले आएगा. उसके बाद आता है इनमें से एल बाद में आता है, तो थर्ड नंबर पे लैम्प होगा. एस पहले आता है, टी बाद में आता है. अब यहाँ पे दो एस हैं और दोनों एस के बाद एच भी है. अब हमने देखना ये है कि थर्ड लेटर क्या है. थर्ड लेटर शॉल में है ए और शर्ट में है आई. अब ए पहले आता है या आई, एग्जैक्टली ए पहले आता है. तो शॉल का नंबर होगा 4 और शर्ट का नंबर होगा 5. मतलब शॉल को पहले लिखेंगे, शर्ट को बाद में लिखेंगे और एंड में आएगा टाइगर. ओके?